Hi, Rasim. मॉर्निंग, अभी फ़िलहाल सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं शिलोंग। शिलोंग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा एक टीचर का शादी है, तो हम लोग शादी अटेंड भी करना है और उसी बहाने क्यों ना शिलोंग घूम लिया जाए। तो ऐसा कुछ प्लान है और मैं इससे पहले कभी शिलोंग घूमा नहीं, वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है। हम लोग जितना हो सके शिलोंग घूमेंगे भी और शादी भी अटेंड करेंगे। यही सीन है, फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और काफ़ी लेट हो गया है। एक्साइटमेंट क्या है जाने का? 4 बजे नींद टूट गया, नींद नहीं है। उसको लेके आ फिर? हाँ, लेके आ रहा। चल ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। कॉल भी आ गया है तो यही बात है। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं यहाँ पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल वगैरह भरा लिए। यहाँ पे रमीम, हाय बोल दो। हाय। तो इसको आप जानते होंगे एक ब्लॉग में। और यहाँ पे हमारा मेहताब है, देखिए बिजनेस। फिलहाल अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, शिलोंग में जाकर ही बात करेंगे। ये मैंने अपना बाइक लिया है, मेहताब का वो स्कूटी है, तो यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को। वैसे हम लोग 4 लोग जाने वाले थे, लास्ट में वसीम ने हमें धोखा दिया। हाय वसीम, वी मिस यू। मैं याद रखूंगा, तू मूवी देखने गया, मैं देखा हूँ तेरा स्टेटस। एंड मोमेंट पे उसने प्लान कैंसिल किया है, तो समझ जाना कितना वो सोचता है। इट फील्स नाइस आफ्टर सो मच टाइम आई एम ट्रेवलिंग। ये छोटा सा एक ट्रेवल है, एक दिन का जो भी है, लेकिन अभी से ही फील होने लग गया कितना अच्छा लगने वाला है। हम लोग अभी आके पहुंच चुके हैं होटल बार्बरिक में और अभी हम लोग यहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। रूम क्लीन हो रहा है हमारा। कैसे कैसे हम लोग अंदर आए हैं मतलब हम ही लोग जानते हैं। मतलब जो रास्ता वगैरह ना बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है। तू कहाँ खो गया था? पुलिस बाजार में। अरे मैं पुलिस बाजार ढूंढने का चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं। कैसे कैसे करके हम लोग आए ना, क्या ही बोले। हम लोग मतलब पूरा भटक गए थे, गूगल मैप्स हमारे साथ पूरा खेल रहा था ऐसा लग रहा था। तो हम लोग शिलोंग में तो आ चुके थे लगभग 11:30 और हमें ये होटल ढूंढने में हमें आधा से एक घंटा लग गया, तो काफी टाइम लग गया। और हाँ, यहाँ पे वन वे बहुत रास्ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो भी है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है शिलोंग में। तो अभी हम लोग ने कुछ प्लान नहीं किया यहाँ पे करने के, हमें बस एक शादी अटेंड करने आए हैं। हमारा एक टीचर है, उनका अच्छा लगेगा, तो हम लोग शाम में जाएंगे। और अभी फिलहाल हमारे पास कुछ टाइम है, 3-4 घंटे है। फिलहाल अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाइक वाइक लेके वापस आने का बिल्कुल ही मन नहीं था। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, देख रहे हैं। बाकी यहाँ का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है, मतलब अचानक ठंडा हो जा रहा है कभी कभी, सूरज सर के ऊपर आ जाता है। जो भी है, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं ये जीवा रेस्टोरेंट कुछ नाम है, तो हमें नाम से मतलब नहीं, हमें कुछ खाना है, भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है। खाना वाना खाने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं पुलिस बाजार। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आप मार्केट देख रहे हो, बहुत सारा ऐसा मार्केट है यहाँ पे। तो हम लोग अभी आते समय देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं मार्केट वगैरह में, तो जाएंगे।
फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर व्हाट्स लेक। तो काफी सुंदर जगह है और ऊपर से यहाँ पे चेरी ब्लॉसम का फेस्टिवल जो है उसके वजह से काफी क्लीन मेंटेनेंस वगैरह किया गया है। तो यहाँ पे एक दो फोटो वगैरह खींचते हैं। इन लोग तो अभी से स्टार्ट हो गए, ये इनको देखिए, एसआर के पोज देने वाला है ये रील में। जो भी अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा माहौल को अडेप्ट करते हैं। कैमरा हैज बीन हैक्ड, नहीं मिलेगा अब उसको, तो आपको दिखाता हूँ व्यूज। जाना नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ जाना है, जाना है। ओ यहाँ पे बहुत देर से है और एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी मतलब नॉइज वगैरह नहीं कर रहा है। काफी ज्यादा ही लोग हैं यहाँ पे लेकिन फिर भी मतलब बहुत पीसफुल है ये जगह। और हाँ, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापस होटल के लिए, उसके बाद हम लोग जाएंगे शाम में शादी में। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं ना, मतलब क्या ही बोले, टेम्परेचर बहुत ही कम हो चुका है यहाँ पे। आई गेस 15-20 अभी टेम्परेचर होगा। तो अब हम लोग निकल चुके हैं व्हाट्स लेक से, जा रहे वापस अपने होटल पे। लेकिन पहले हम लोग पुलिस बाजार में थोड़ा कुछ जैकेट वगैरह देखेंगे, क्योंकि मुझे एक जैकेट चाहिए था, इन लोगों को भी कुछ चाहिए, तो देख लेते हैं। तो कहाँ जाएंगे मत बोलना। बोल दिया मैंने, शादी में जा रहे हम लोग। कुछ सरप्राइज मत रखो, सरप्राइज वरप्राइज नहीं रखते हम। वैसे भी जब तक तुम्हारा ब्लॉग आएगा तब तक तो हम लोग अभी वापस आ चुके हैं शादी से। तो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर ठंडा है, तो हम लोग ने ज्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं किया, 3 घंटे मैक्सिमम हम लोग वहाँ पे थे। और अभी हम लोग आ गए और हमारा जो हाथ है ना, अभी जान रहे क्या है, जल्दी से सामान वामान थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं, उसके बाद बिस्तर रेडी है, हम भी रेडी है, आराम से कल सुबह उठेंगे। और कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे एलिफेंट फॉल्स के लिए, यहाँ से पास है, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और बहुत ही अच्छा नींद है, क्योंकि वेदर बहुत ही यहाँ पे कूल सा है। मतलब यहाँ से निकलेंगे एलिफेंट फॉल्स के लिए, तो और भी बहुत सारे जगह है लेकिन पास में एलिफेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारे रमीम भाई पैकिंग करते हुए, क्या बोल रहा था तू, सुबह देर से उठा और खुद का तुम्हारा अलार्म ने जो हम लोग को 6 बजे उठा दिया, उसका क्या, हमेशा ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा आलसी है। लेट नहीं है हम लोग, हमारे पास टाइम है, क्योंकि आज ऐसे भी हम लोग को कुछ काम नहीं है। घूम के वहाँ से सीधा जाएंगे गुवाहाटी, तो दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एलिफेंट फॉल्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग को पर हेड 100 रुपीज देना पड़ रहा है, उसके बाद हम लोग एलिफेंट फॉल जाएंगे, वहाँ पे टिकट वगैरह लेना पड़ता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे फाइनली, और क्या ही बोले, लोकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। तो फाइनली हम लोग एलिफेंट फॉल्स के पूरा एकदम नज़दीक है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये वाला जगह। पूरा नीचे और जाना है तो, लेकिन जितना नीचे जा रहे हैं ना, वापस ऊपर भी आना पड़ेगा। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, क्या ही बोले। फिलहाल सुबह के 10 बज रहे हैं। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं एलिफेंट फॉल्स के एकदम करीब, वो मेरे पीछे है। कभी देखा नहीं था ऐसा लोकेशन, आज पहली बार देखा, बहुत बेस्ट लगा, ये वंडरफुल लोकेशन है। तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, आराम करते हैं, एंजॉय करते हैं जगह को। मैंने सोचा था कि यहाँ पे आके नहाने वाने भी मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और फिलहाल ऐसे ठंडा इतना है कि आप नहा तो क्या, आप सोचोगे भी नहीं यहाँ पानी को टच करने। तो ये था हमारा ये छोटा सा एक ट्रिप, सडनली था, कुछ भी प्लान नहीं था, सब अनप्लान था और रैंडमली हम लोग कहीं कहीं पे जा रहे हैं, जो भी था लेकिन बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ट्राई किया कि थोड़ा ब्लॉग बनाते, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया था, ये एक प्रैक्टिस था ये ब्लॉग कैसे। हम लोग यहाँ से निकलते गुवाहाटी के लिए, बाय बाय, और कमेंट करो जल्दी ब्लॉग आए नेक्स्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए काम चालू।